हनुमान जी से एक बार पूछा गया, प्रभु वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, हनुमान जी ये बताइए कि मैं आपको कैसे दिखता हूं, आप मेरे प्रति क्या भाव रखते हैं। हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वो कहते हैं देहे दृष्टा तो दास हो, आप देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, ईश्वर दृष्टा तो दंश का, ईश्वर दृष्टि से आप ईश्वर है, मैं आप वांस हो। भगवदगीता भी कहते ममे वांस हो, मेरे ममे वांस जीव लोग जीव भूत सनातन, अरे तुम भी सनातन हो। हम सनातन धर्म क्यों कहते हैं, क्यों का ज्ञान देते हैं, हम भी सनातन है, अविनाशी है, शरीर आते रहेंगे बनते रहेंगे, हमने हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, जीव भूत सनातन। तो बोले आप ईश्वर हो, मैं आप वांस हो, तो दर्शक तत्व दृष्टिया तमेवा, लेकिन तत्व दृष्टि से जो आप है ना वो वही भी वही भेद नहीं है, भेद खत्म, जहां तत्व का ज्ञान हो गया भेद खत्म। अभी भेद है ना इनको, कृष्ण और शिवजी में भेद कर रहे हैं, ये अभी तत्व ज्ञानी पुरुष नहीं है, जिसका उल्लेख भगवद गीता में है। तत्व ज्ञानी होते तो भेद नहीं करते, ज्ञानी का है भेद करो, ज्ञानी क्यों भेद करेगा। प्रभु मोरे अवगुण चित्तन धरो में आता है एक भजन ऐसा ही, उसमें कहते ज्ञानी क्यों भेद करेगा भाई, ज्ञानी होगा तो भेद खत्म, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि से उसे कर्म दग्ध हो गए। इति में निश्चिता मत, भगवान हनुमान जी कहते इति मेरा निश्चित मत है, ऐसा छोटा मोटा मत नहीं है, निश्चित डायरेक्ट पक्का दृढ़ निष्ठा के साथ मोहर मार कर, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, ईश्वर दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, लेकिन तत्व दृष्टि से तुम्हें वाह जो आप है वही मैं हूं, अर्थात शिव और राम जी में कोई अंतर नहीं। इति में निश्चिता मता, कौन बोल रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानाराणाम अधीश रघुपति प्रिय भक्त मात जाता, वो बोल ये तत्व ज्ञान। इसीलिए कहा गया है कि जो तत्वदर्शी पुरुष है उनकी शरण में जाओ, अरे तुम्हारे कृष्ण भावित है उन्हीं की शरण में जाओ, ऐसा तो भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा है, कृष्ण भावना भावित श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं कि संसार से उसमें देखो कैसे अर्थ लगाते हैं, कैसे बातें शब्द लिख देते हैं, उस पूरे श्लोक में कृष्ण भावना भावी शब्द ही नहीं है, पूरी भगवद गीता में नहीं भैया, पूरे महाभारत में खोज के नहीं निकाल सकते। कृष्ण भक्ति है, अनन्य भाव है, कई शब्द है जो शास्त्र में दिया है, संत महापुरुष ने दिया, उसी की परंपरा को आगे बढ़ना, अपनी लठ पीटने का क्या मतलब है। महाजनो गता ये न सब पंथा, पंथ वही है जिसपे महापुरुष चले, आप भी चलो उसी पे, ये अपनी झंडा खड़ा करने का क्या मतलब है। कल अपना भी तुम इस्कॉन धर्म खड़ा कर दोगे, इस्कॉन वाले, आज मुझे भी कहना पड़ा इस्कॉन वाले, तुम सनातन धर्म वाले क्यों नहीं बनते, और सनातन धर्म की जब बात आती है तो सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, ये मूल तत्व है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सर्वे भवंतु सुखिनः वसुदैव कुटुंबकम, ये है सनातन धर्म के सिद्धांत, एको हम बहुश्याम भागवत महापुराण में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावासी उपनिषद, और ये बातें समझनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं आप समझोगे तो आपकी दुर्गति को कोई नहीं बचाएगा, और ये बात मैं आपको कह रहा हूं शास्त्र कह, स्वामी रूपेश्वरानंद नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये कह शास्त्र कह, और शास्त्र कह रहे मतलब सत्य है, उसके आगे भगवान भी जो है ना, भगवान भी कहते कि मैं भी साइड में हूं, तस्मात शास्त्र प्रमाण, श्री कृष्ण प्रमाणम नहीं है, तस्मात कृष्ण प्रमाणम ऐसा होता वहां, तस्मात शास्त्र प्रमाण, क्या करना चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए, जब शास्त्र कह रहा है तो करो, जो विधान दे ज्ञातवा शास्त्र विधान होता, जो शास्त्र में विधान दिया है उसको ज्ञान प्राप्त करो, और फिर कर्मम कर्तुम यहर्षि, तब कर्म करो।